उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिनों का यमकेश्वर दौरा परिजनों, ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों के लिए यादगार रहा। उत्तर प्रदेश लौटते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां सावित्री देवी के हाथों दही चीनी खाई और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मां ने भी बेटे को लोक कल्याण के लिए समर्पित होकर काम करने का आशीर्वाद दिया। जाते हुए योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय पहुंचकर शिक्षकों से मुलाकात की और गुरु अवैद्यनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। उनके छोटे भाई महेंद्र बिष्ट ने बताया कि उनका कार्यक्रम भले ही व्यक्तिगत था, लेकिन रात 10:30 बजे तक उनके ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों के मिलने का दौर चलता रहा। योगी आदित्यनाथ संन्यास ग्रहण करने के बाद से 2 से 3 बार ही माँ का हालचाल जानने के लिए गाँव आए। यूपी की कमान संभालने के बाद वो पहली बार गांव आए। बुधवार रात को भी लोग 10:30 बजे तक उनसे मिलने के लिए पहुंचते रहे। लोगों का कहना है कि यमकेश्वर गिलाल योगी आदित्यनाथ के यूपी जैसे बड़े प्रदेश की दोबारा सत्ता संभालने पर सभी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नित्य कर्म के बाद करीब 1/2 घंटे योग ध्यान किया, गौशाला में गाय को पूरी रोटी खिलाई और फिर खुद नाश्ता किया। करीब 10:30 बजे वो घर से विदा होकर महाविद्यालय पहुंचे। उन्होंने गुरुजनों का आशीर्वाद लिया और गुरु अवैद्यनाथ की प्रतिमा के सामने मत्था टेक कर हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय ग्राम प्रवास के दौरान अपने परिजनों के साथ ही सहपाठियों के साथ भी पुरानी यादें ताज़ा की। पंचूर गांव में उनकी मां सावित्री देवी के साथ ही अन्य 3 भाइयों मानवेंद्र, शैलेंद्र और महेंद्र का परिवार रहता है। उनकी तीनों बड़ी बहनें पुष्पा, कौशल्या और शशि का विवाह हो चुका है। महेंद्र के बेटे के मुंडन के लिए तीनों बहनें गांव आई थीं। लंबे समय बाद भाई से मिलकर बहनें भावुक हो उठीं। सीएम योगी से छोटे शैलेंद्र मोहन बिष्ट सेना में हैं, वो इन दिनों छुट्टी पर हैं। परिजन बताते हैं कि साल 1993 में संन्यास धारण करने के बाद योगी आदित्यनाथ कई बार पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड आए थे, लेकिन ये दौरा उनके लिए काफ़ी भावुक रहा। संन्यास ग्रहण करने के बाद से कई बार माता पिता की याद उन्हें सताई होगी। माता पिता ने भी उनसे मिलने का प्रयास किया होगा, लेकिन एक लंबा समय बीतने के बाद योगी आदित्यनाथ अब एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। आज वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति के केंद्र में दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पर उनके परिवार के साथ साथ हर ग्रामवासी को उन पर गर्व की अनुभूति होती है। वहीं लंबे समय पहले छोड़े हुए अपने गांव एक बार फिर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। अपनी मां को उन्होंने प्रणाम किया और मां ने परंपरा के अनुसार जाते वक्त दही चीनी खिलाकर उनके लिए शुभ और मंगल कामनाएं की। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।